प्योर देसी घी से कुक है सर। इतना सारा आइटम सिर्फ 399 रुपीज का। समझता था कि हम मुंबई वाले ज्यादा एक्सपर्ट है इसके अंदर। सर इसके अंदर हमारे पास एक बटर मिल्क है, एक गुलाब जामुन है, पनीर की सब्जी, एक दाल है और एक मिक्स वेजिटेबल है, लच्छा पराठा है, रोस्टेड पापड़ है और अपना स्टीम राइस है, सोया चाप है। सोया चाप से हमने चाइनीज टच कर दिया। ये है सर दही कबाब। ये सारी सब्जियों का है सर मेरे पास, सब्जी कबाब। और ये है सर हमारा तंदूरी सोया टिक्का। ये एक मॉकटेल हमारे पास बहुत अच्छा यूनिक है सर, इसको बोलते हैं ऑलराउंडर मॉकटेल है। हेलो गाइस, वेलकम एवरीबॉडी अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नुक्कड़ एक्सप्रेस। दोस्तों जायकों के बाजार में आपका इस्तकबाल है और आज मैं मेरे शहर मुंबई से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर गोरखपुर के अंदर हूँ। बड़ा ही मशहूर और मारूफ है, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट को मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है, यहाँ के कौन कौन से पकवानात जो है मशहूर और मारूफ है, क्या यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर है, वो तमाम चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर आया कैसे जाता है। दोस्तों जिस सड़क के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ, ये जो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन से ये सड़क आती है और ये जो सड़क जाती है गोरखनाथ मंदिर, जो गोरखपुर का एक बड़ा ही मशहूर व मारूफ जगह है, वहाँ जाती है। बस उसी सड़क के ऊपर गोरखनाथ कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं, बस वहीं पर ये सेकंड फ्लोर के ऊपर इकाई प्योर वेज रेस्टोरेंट है, इसी को एक्सप्लोर करने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो चलिए वहाँ पे रेस्टोरेंट में, इकाई रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे डाइनिंग का कैसा इंतज़ाम है वो समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेकंड फ्लोर पे है, देखिए ये है इकाई और ये यहाँ पे डाइनिंग का इंतज़ाम है। आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत और बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पर। दोस्तों लंच है वो मुझे सर्व हो गया है। समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हमें सर्व किया गया है और उसकी कीमतें क्या है। सर सर फर्स्ट आपको होगी हमारी स्पेशल थाली, यहाँ की इकाई स्पेशल थाली, सिनेमन स्पेशल थाली है। इकाई स्पेशल थाली, थाली जो मेनू में मैंने जो देखा 399 रुपीज वो है ये थाली। सर सर इतना खूबसूरत आप लोगों ने इसकी गार्निशिंग की है, मैं उम्मीद नहीं करता था। मैं समझता था कि हम मुंबई वाले ज्यादा एक्सपर्ट है इसके अंदर, लेकिन आपने जिस तरीके से इसको सजाया है, गार्निशिंग किया है, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही लाजवाब है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है सर? सर इसके अंदर हमारे पास एक बटर मिल्क है, मिक्स रायता है, एक गुलाब जामुन है, पनीर की सब्जी, एक दाल है और एक मिक्स वेजिटेबल है, लच्छा पराठा है, रोस्टेड पापड़ है और अपना स्टीम राइस है। इतना सारा आइटम सिर्फ 399 रुपीज का। ये सर ये ओरिएंटल डिश है मेरे पास, ये हमने अपना ये डिश हमने चाप से रिलेटेड किया सर, चाप से ये सोया चाप है, सोया चाप से हमने चाइनीज टच कर दिया, इसको बोलते हैं चिल्ली सोया चाप जी। ये है सर दही कबाब, ये हमारे पास बहुत यूनिक स्टार्टर है मेरे यहाँ। दही कबाब, दही कबाब इसके अंदर हैंग कर्ड है सर। अच्छा, तो हैंग कर्ड से ये डीप फ्राइड है और आप देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी सब्जियों का है सर मेरे पास, सब सी कबाब। ओके, वेज सी कबाब। ओके, और ये है सर हमारा तंदूरी सोया टिक्का। तंदूरी सोया टिक्का, आहा हा, क्या है नाम भी आप लोगों ने इस तरह के अलग रखे थे। अच्छा सर ये क्या है? ये एक मॉकटेल हमारे पास बहुत अच्छा यूनिक है सर, इसको बोलते हैं ऑलराउंडर मॉकटेल है। ऑलराउंडर मॉकटेल। तो दोस्तों ये सब चीजें कैसी है मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप अगर गोरखपुर आते हो या आप कभी अतराफ गोरखपुर के अतराफ आते हो, आप अगर वेजिटेबल खाने के शौकीन हो या आप वेजिटेबल जायकों के दीवाने हो, जायकों की तलाश में मुख्तलिफ जगहों पे जाते हो, कीमतें भी मुनासिब है और जाहिरी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर है तो सब चीज़ ओरिजिनल है और मतलब शहरों के अंदर जैसे होता है वैसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आइए, आप इसको नौश फरमाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। इतने लजीज लजीज जायकेदार स्टार्टर खाने के बाद अब वक्त है मेन कोर्स का। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मेन कोर्स के अंदर क्या क्या है। सोया मसाला है सर। सोया मसाला, सोया मसाला प्योर देसी घी से कुक है सर। ओह हाँ जी, प्योर देसी। ये हमारा बासमती जीरा राइस है। ओके, ये भी प्योर देसी घी से कुकिंग है। ओके, ये हमारा बटर नान है सर। ओके, ये बटर तो बटर ही है बराबर। ये मेरे पास ग्रीन सैलड है सर।
वाओ, ये जो खाने का जो है मैं तजुर्बा लेता हूँ। और आप जब कभी भी यहाँ पे आए, गोरखपुर आए, तो एक बार आप जहाँ जहाँ खाते हो, जहाँ जहाँ जाना चाहते हो जाइए, लेकिन जब आप कभी भी यहाँ पे गोरखपुर किसी भी काम से आए तो एक बार इस रेस्टोरेंट में जरूर आकर के अपने खाने को ट्राई कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगर इस रेस्टोरेंट के ताल्लुक से आप और कुछ ज्यादा जानना चाहते हो या और कुछ आपकी इंक्वायरी हो तो स्क्रीन पे आए हुए नंबर पे आप डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं। किसी वजह से नहीं आ सकते हैं तो जोमेटो और स्विगी पे भी गोरखपुर के अंदर इसकी सर्विसेज अवेलेबल है, आप वहां से भी अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं। अब मुझे गोरखपुर से इजाजत दीजिए, बहुत जल्द नई जगह पर दोबारा आपके साथ रूबरू होगा। खुश रहिए, अपनी लाइफ में इंजॉय कीजिए।